इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस मिसाइल को Su-30 MKI में सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने के बाद अब Su-30 MKI पे इसके नंबर को बढ़ाने के लिए तैयार है। फिलहाल IAF के पास 40 Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं, लेकिन पहले जिन ब्रह्मोस मिसाइल को Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया गया था उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा जो लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की थी उसे भी बढ़ाकर 800 और 1500 किलोमीटर तक किया जा रहा है। Su-30 MKI पे ब्रह्मोस को बढ़ाने का काम तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पे किया जाएगा, जहां पे मौजूद 18 Su-30 MKI में से 6 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और जिसकी स्ट्राइक रेंज में पूरा इंडियन ओशन रीजन है जहां पे चाइना का एग्रेशन हमेशा बना रहता है। और तंजावुर के बाद ये नंबर LAC और LOC के पास मौजूद बेसिस पर जो Su-30 MKI है उसके साथ किया जाएगा।